देख मेरा पूरा भीग गया है और मेरे कपड़े भी देख रहे हैं आप, पूरा मैं भीग गया हूँ। कैमरा आपको इस हैंडल से निकाल के भले रिकॉर्डिंग करो, लेकिन हैंडल के साथ आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मैंने बोला अजीब रूल है आपका। मुझे भूख लगी है, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 6:30 बजे है, सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ, 12 घंटे हो गए। अभी जाता हूँ कुछ खाने के लिए, यहाँ पे एक शॉप मैंने देखी है हलाल लांचो लामियन की, तो वहाँ पे देखता हूँ कि क्या है। अकेला बंदा हूँ, इसने आके ये मेन्यू दे दिया है मुझे, अभी मैं क्या क्या खाऊँगा देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं। एज़ यूजुअल जो हम चीज़ें खाते हैं उनमें से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं। बड़ा महंगा रेस्टोरेंट है ये, रेट्स बड़े जो है ना हाई हैं इसके। ये आप डंपलिंग देख रहे हो, डंपलिंग वैसे हम 15 यून में खाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 25 यून में, क्योंकि शंघाई है तो शंघाई के हिसाब से रेट है भाई ये। वैसे मैंने एक दूसरे रेस्टोरेंट में खाया था जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे दोस्त का अपार्टमेंट है, वहाँ पे कुछ रेट सस्ते थे, मतलब कि 18-20 RMB में नूडल्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे नूडल्स मैंने अभी देखे हैं बड़े महंगे हैं, देखें 31 फ्राइड राइस ये 18 यून के, वैसे नॉर्मल शॉप से 12 यून के होते हैं। चलो मैं चावल ही ऑर्डर करता हूँ फिलहाल। तो ये है आज का मेरा डिनर, थोड़ी मिर्चें डालेंगे इसमें क्योंकि ये बहुत फीका होता है। तो अभी मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद मैं ऐसी जगह पे जाऊँगा, वो नई जगह है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अभी मैं मौजूद हूँ शुजा हुए पे, ये एक स्टॉप है यहाँ पे, एक जगह है यहाँ पे शंघाई में, इसके नाम से मेट्रो स्टॉप भी है। तो अभी मैंने यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी की है शंघाई में। वैसे मैंने एक अच्छी बात नोट की है, वो ये कि इस तरह की जो पब्लिक साइकिल्स होती है ना, ये बंदा जहाँ भी खड़ी करना चाहे तो कर सकता है, मतलब कि लाजमी नहीं है कि जो उनके स्टॉप बने हुए वहाँ पे करे, मतलब मेरे ख्याल से ये पूरा सिटी ये इनका स्टॉप ही है। तो अभी मैंने यहाँ पे साइकिल अपनी खड़ी की है, ये हो गई बंद हो गई, लेकिन काफ़ी सिटी दूसरे में मैं गया हुआ हूँ, चांगशा में और बेजिंग में लास्ट टाइम गया था, वहाँ पे हम स्टॉप पे जो उनके स्टेशन बने होते हैं लाजमी है कि हमें वहाँ पे साइकिल खड़ी करनी पड़ती थी। तो अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे शुजा हुए कैथोलिक चर्च के नाम से एक चर्च है यहाँ पे, तो उसके बाहर मैं आ गया हूँ, अंदर की तरफ जाता हूँ, देखते हैं कि मुझे छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है कि कोई भी एंटर हो सकता है, मैं काफ़ी पहले भी चर्चिस में गया हुआ हूँ, उस दिन मैं बुद्धा के टेंपल में गया था, इससे पहले भी मैं एक दो दफ़ा टेंपल वगैरह में जा चुका हूँ। अच्छा, तो उसकी यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है और टाइमिंग नहीं है आज, तो मैं अंदर नहीं जा सकता। इसकी यहाँ पर हिस्ट्री भी लिखी हुई है, हिस्ट्री के मुताबिक ये चर्च जो है वो 1906 से 1910 के दरमियान बना था, और उस चर्च के अंदर तकरीबन कोई 3000 लोग इबादत कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है, कमेटी है, उन्होंने और जो नेशनल गवर्नमेंट है जो चाइना की, उन्होंने इस जगह को नेशनल हेरिटेज जो उनकी साइट्स होती हैं उनमें शामिल किया हुआ है, और इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की है और चाइना नेशनल गवर्नमेंट की है। उस दिन भी जिस मैं टेम्पल में गया था तो वहाँ पर भी ये चीज़ें लिखी हुई थी। तो यहाँ पे जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना कल्चरल, तो उनकी मतलब कि भाई ये प्रोटेक्शन करते हैं, लाजमी नहीं है कि ये चर्च हो या टेंपल हो, जो मस्जिद थी जो मैं लास्ट टाइम बीजिंग गया था, उनकी भी प्रोटेक्शन चाइनीज़ गवर्नमेंट या उनकी जो मकामी गवर्नमेंट है जिस सिटी में वो वाकई है, तो उनकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ पे चर्च के साथ ही एक बड़ी लाइब्रेरी है, यहाँ पर बहुत फेमस लाइब्रेरी है ये, मैंने नेट पर भी इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर आज बंद है ये, टाइमिंग्स लिखी हुई है, देखते हैं कि ये कब ओपन होगी। वैसे मंडे को तो यहाँ पे जगह है जो भी हैं ये टूरिस्ट वगैरह की वो बंद होती हैं, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ट्यूसडे से लेके थर्सडे और संडे की जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेके 5 बजे तक है, लास्ट एंट्री 4:30 बजे होती है, ये इनका नॉर्मल रूल होता है, मतलब कि 5 बजे अगर कोई जगह बंद करनी होती है तो 4:30 बजे लास्ट एंट्री होती है, और जुमे को और हफ्ते को जो है वो सुबह 9 से लेके 8 बजे तक और 7:30 बजे लास्ट एंट्री है। तो आज चूँकि थर्सडे है तो बंद हो गई है ऑलरेडी, तो मैं कल फ्राइडे को आऊँगा इंशाल्लाह, कल फिर 8 बजे तक टाइमिंग है, तो फिर उसको सही तरह से घूमते। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पे कोलंबिया सर्कल में आ गया हूँ, ये एक किस्म का पार्क है, यहाँ पे अंदर कुछ ट्रेडिशनल कुछ इमारतें वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह हैं, यहाँ पे कुछ तारीखी ट्रेडिशनल इमारतें हैं, उनको उन्होंने यूटिलाइज़ करके उनके अंदर कॉफ़ी शॉप या लाइब्रेरी या रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। सामने आप देख रहे हैं ये लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में अंदर ही जो है ना कॉफ़ी शॉप है, तो बंदा जो है वो बुक्स वगैरह भी पढ़ सकता है, बुक्स वगैरह बाय भी कर सकता है और कॉफ़ी वगैरह भी पी सकता है। यहाँ पे ये बार बनी हुई है, ठीक है, और उसके आगे कॉफ़ी शॉप भी है, टी शॉप भी हैं। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे वाकई एक वुखोंग रोड पे, यहाँ पे एक तारीखी एक ये बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ी फेमस है, काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर तस्वीर वगैरह और वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, उस तरफ ये हैं रोड के, कुछ रोड के उस तरफ हैं, सामने देख रहे होंगे आप,
अभी मैं रात को आया हूँ यहाँ पे, मैंने सोचा कि रात का व्यू उसका देखते हैं और कल दिन को भी इंशाल्लाह मैं आऊँगा तो दिन का भी व्यू मैं आपको उस बिल्डिंग का दिखाऊँगा। तो अभी आप सामने देख रहे हैं ये फेरी यहाँ पे पहुँच गई है, यहाँ पे जो लोग हैं अंदर वो यहाँ से उतरेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे और हम इस फेरी के अंदर जाएंगे। फेरी का जो फेयर है वो है 2 yuan, मतलब 2 yuan में आप 10 से 15 मिनट की ये फेरी जो है वो इंजॉय कर सकते हो। तो अभी जस्ट मैंने मेट्रो से एग्जिट किया है और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे हाथ में ये अम्ब्रेला, और मैं भी जा रहा हूँ उस बिल्डिंग के पास जहाँ पे मैं रात को गया था, जिसको बोलते हैं वू खांग तालो, मतलब वू खांग बिग बिल्डिंग। तो ये बड़ी फेमस है, बड़ी तारीखी है। जिस मेट्रो स्टेशन पे भी मैं उतरा हूँ इसका नाम है शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी, मतलब जियाओतोंग यूनिवर्सिटी सिस्टम का नाम है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है शंघाई जियाओतोंग, और एग्जिट नंबर है 7। तो अभी आप सामने देख रहे हैं लोग बारिश की वजह से वहाँ पर खड़े हो गए हैं। तो मैं फाइनली इस बिल्डिंग के पास पहुंच गया हूं। ये तकरीबन मेट्रो स्टेशन से कोई 250-300 मीटर के फासले पे है। रात को मैं आया था तो लोग कम थे, लेकिन अभी लोग कुछ ज़्यादा हैं क्योंकि दिन का टाइम है और दिन को तस्वीर अच्छी आती हैं बनस्बत रात के। तो ये है वो बिल्डिंग, कल रात को मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो तकरीबन ये कोई 1910 में ये तामीर हुई थी, मतलब कि इसको 110 साल हो गए हैं। मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे ज़्यादातर जो मैंने टूरिस्ट देखे हैं, जो चाइनीज़ जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे आए हुए हैं, वो ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, और औरतों के साथ बच्चे हैं। मर्द मैंने बहुत ही कम देखे हैं, अगर देखे हैं तो अकेले नहीं देखे, कपल में देखे हैं, मतलब कि वो अपनी वाइफ के साथ हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ यहाँ पर बहुत हैं। उस दिन में जो साइट सींग वाली बस थी उसमें मैंने टूर किया था, तो बस जो थी वो पूरी लड़कियों से और औरतों से भरी हुई थी। इसके साथ साथ मैं दूसरी जगहों पे भी गया हुआ हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो मैंने तादाद देखी है वो लड़कियों की या औरतों की है। अब इसकी वजह मुझे मालूम नहीं है कि क्या है, क्या हो सकती है वजह इसकी। मुझे लगता है कि औरतों को ज़्यादा घूमने का शौक़ होता है और मर्द बेचारे मेरी तरह कोई कोई कभी कभी घूम लेता है, और उसके साथ साथ उनको काम भी करना होता है, जॉब शॉब ये वो। और ज़्यादातर मैंने ये भी देखा है कि जो काम का प्रेशर होता है ना वो मर्द पे ज़्यादा होता है, औरतों पे होता है लेकिन फिर भी मर्दों पे ज़्यादा होता है काम का प्रेशर, तो उस वजह से फिर वो बहुत ही कम घूमते हैं। तो बारिश तेज़ हो गई है, अभी मैं यहाँ पे साइड में रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए। बहुत ही तेज़ बारिश हो गई है, तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे 7-Eleven की एक मार्ट में। यहाँ पे जो है ना शंघाई में या पूरे चाइना में तकरीबन ये 7-Eleven या फैमिली मार्ट या एक दूसरा भी एक नाम है लासन, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो उस किस्म की यहाँ पे मार्ट्स मिल जाती हैं, तो बंदा कोई चीज़ वगैरह लेके या कॉफ़ी वगैरह लेके यहाँ पे बैठ सकता है। तो मैं जिस जगह पे खड़ा था, बारिश हो रही थी, तो वहाँ पे 300-400 मीटर के आसपास कोई सी शॉप नहीं थी, तो मैंने समझा कि 5-10 मिनट बारिश होगी उसके बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और अभी भी देख रहे हैं आप बारिश हो रही है। तो फिर मैंने 15 मिनट तक वेट किया, उसके बाद फिर मैं सर्च किया कि नियर बाय कौन सी शॉप है, तो फिर मैं शॉप पे आ गया और मैंने लिए यहाँ पे ये कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी पीता हूँ वो मुझे यहाँ पर नहीं मिली, वैसे होती है लेकिन यहाँ पर नहीं मिली। और आप देख रहे हैं कि ये बैग मेरा पूरा भीग गया है और मेरे कपड़े भी देख रहे हैं आप, पूरा मैं भीग गया हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो गई, मेरे साथ काफ़ी चीने भी वहाँ पर खड़े थे, सबकी यही हालत हो गई। तो उस तरह का यहाँ पे ये होता है, नॉर्मल है ये,
अगर कोई शॉप होती साइड में तो मैं उधर चला जाता, कोई शॉप थी नहीं, वजह से फिर मैं बिक गया। तो बारिश अभी हल्की हो गई है, अब देख रहे हैं तो काफ़ी लोग बाहर निकल आए हैं, मैं भी बाहर निकला हूँ उस शॉप से, मार्ट से। कुछ जगह मुझे विज़िट करनी है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि कल मैं शाम को गया था तो वो जगह बंद हो गई थी, तो मैं सोचा कि आज जाऊँ वो जगह विज़िट करूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे लाइब्रेरी के पास पहुँच गया हूँ, आज मुझे एंट्री मिल जाएगी इंशाल्लाह। अंदर जाता हूँ, आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। तो मैं अभी लाइब्रेरी के अंदर आ गया हूँ, लाइब्रेरी का टूर कराते हैं आपको। ये मेरी जो अम्ब्रेला थी उसने मुझे शॉपर में डाल के दिए, मैंने इसे चाइनीज़ में बात की तो बोला कि चाइनीज़ तुम्हारी बहुत अच्छी है, मैं बोला ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं, ये जो गेट पर खड़े होते हैं या रिसेप्शन वाले या तकरीबन जो भी चाइनीज़ है ना यहाँ पर शंघाई में, वो इंग्लिश में बात करते हैं, इनकी इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त है। शंघाई में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको चाइनीज़ बोलने का मसला नहीं है, आप इंग्लिश में इजीली बोल के इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, हर बंदा यहाँ पे इंग्लिश समझ सकता है और बोल सकता है। उस दिन मुझे एक लड़की मिली थी मेट्रो में, तो मुझसे पूछ रही थी कि आप कौन से कंट्री के हो, मैंने बोला मैं पाकिस्तान का हूँ, तो मैंने बोला कि इंग्लिश में बात कर, बोली कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, दो तीन जुमले उसने बोले, लेकिन बाद में उसने बोला कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मैंने बोला इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश तो तू बोल रही है, तो बोली कि मेरी इंग्लिश शंघाई के हिसाब से अच्छी नहीं है। मैंने बोला अच्छा। अच्छा, यहाँ पे मैंने चाइना में एक बात नोट की है, लास्ट टाइम भी मैं एक दो जगह पे गया हुआ था, आज भी इन्होंने मुझे बोला कि आप ये जो कैमरा की जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये कैमरा को इस हैंडल से निकाल के भले रिकॉर्डिंग करो, लेकिन हैंडल के साथ आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मैंने बोला अजीब रूल है आपका, रिकॉर्डिंग मना कर दो आप, फिर हैंडल निकाल के रिकॉर्डिंग तो वैसे भी करनी है ना, तो हैंडल निकाल के करें या हैंडल लगा के करें, बात तो एक ही है, अजीब सिस्टम है यहाँ का। तो ये था आज तक का व्लॉग, मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आपने यहाँ पे शंघाई में काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं शंघाई के हवाले से जो भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।